और वो बीच में ठीक स्कूटी रोक के वो लोग वीडियो बना रही है। पूरा कपड़ा ट्रैक्टर आकर गुजर गया, वो उस साइड से नीचे से उतार के जाना पड़ गया, लेकिन ये लोग हटी नहीं, वीडियो बनाती रही। वुमेन तेरी मेरी कहानी गाती रही। इस बार मैं हैंडपंप नहीं कुछ और उखाड़ कर लाऊंगा। तो हेलो एंड गुड इवनिंग बड़ी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं आदर्श आनंद भैया से मिलने के लिए। हाँ पता है, इससे पहले भी मैं दो बार जा चुका हूँ, लेकिन क्या करें जितना बार मिलो मन भरता ही नहीं। एक्चुअली जब मैं भागलपुर शिफ्ट हुआ था ना, तो मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि मैं आदर्श आनंद भैया से जाऊंगा मिलने के लिए। तो आज मैंने फाइनल के डिसाइड कर लिया कि आज तो जाना ही है, आज तो चलेंगे। उसी के लिए मैं शाम में निकल गया हूँ और अब चलते हैं बरारी, और आपको फुल बताऊंगा कि मैं कैसे कैसे जाना है। हाँ पता है, कुछ लोग भागलपुर के कहेंगे कि हम तो भागलपुर में रहते हैं, हमें पहले से पता, हमें क्यों बता रहे हो। तो भाई जिन्हें नहीं पता वो देख लेंगे, वो भी जान जाएंगे, फिर सभी जा सकते हैं आदर्श आनंद भैया से मिलने के लिए। एंड दिवाली में यहाँ पे दुकानें लग चुकी हैं। तो बड़ी हम पहुँच चुके हैं माउंट कार्मल स्कूल के पास, और देखिए उसके बगल में जो रास्ता जाता है ठीक सामने, उस रास्ते में हमें जाना है। ठीक है, आप देखिए ये जो ट्रैक्टर पास हुआ है और वो बीच में ठीक स्कूटी रोक के वो लोग वीडियो बना रही है। ओ भाई क्या बात है, क्या हो गया, ट्रैक्टर आने के बाद हटी भी नहीं अभी तक। तो बड़ी अभी शाम होने को आई है, और यार इन पापा को परियों का क्या है, क्या मसला क्या है यार। बीच रोड पे पहले रोक के मैं आ रहा था, तभी बीच पर रोड पे रुकी हुई थी, मुझे लगा गाड़ियां वगैरह आएंगी तो उस साइड कर लेंगी, लेकिन गाइस पहले बाइक आई तो कोई बात नहीं, पूरा कपड़ा ट्रैक्टर आकर गुजर गया, उस साइड से नीचे से उतार के जाना पड़ गया, लेकिन ये लोग हटी नहीं, वीडियो बनाती रही। वुमेन खैर अच्छा हुआ कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। वेल तो बड़ी आपको आदर्श आनंद भैया के घर कैसे आना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बिहार आ जाना है, बिहार में आपको भागलपुर आ जाना है, भागलपुर में आपको तिलका मांझी चौक आ जाना है पहले, उसके बाद तिलका मांझी चौक से बरारी की तरफ आना, और माउंट कार्मल जो स्कूल है, माउंट कार्मल जो बच्चों का स्कूल है, आपको उसके सामने वाले ठीक जो रोड है ना उसमें मुड़ जाना है। और बड़ी इस रोड में मुड़ने के बाद आप यहाँ पे किसी से भी पूछ लोगे, आपको हाथ पकड़ के दिखा दिया जाएगा कि भाई यही हमारे आदर्श आनंद भैया का घर, जलवा है हमारा। ये वाली टंकी आ चुकी है, हमें इसके भी पार जाना है थोड़ा सा और आगे, आगे वाले रोड से फिर हमें लेफ्ट लेना है। बड़ी मैं एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचा हूं, आप देखिए यहाँ पे शूट चल रहा है, और मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में जाता है। वीडियो तो जाएगा, फोटो अभी पीछे हुआ, वीडियो में जाइए वो चढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, इस गेम को आगे बढ़ाते हैं, और दो जन बचे रह गए उनको भी जाएगा। भैया हार गया घर के अंदर, तुमको क्या बोला गया, दाग के बाहर रहोगे, हार गया दाग के बाहर रहोगे, इटा छुए जीते ना, नहीं नियम बताया जीते हम अपने। तो नियम जानने के अभाव में हमारे भैया को हारा हुआ घोषित कर दिया। बिल्कुल नियम जानने के अभाव नहीं, ये पूरी तरह से जो लाइन के अंदर घुस गया,
जो काबिल काबिल नहीं होता आदमी हाँ। लोग वही टाइप कर रहा है। हम इसको पहले बताए थे दाग के अंदर नहीं जाना, दाग हाँ। के अंदर घुस के घर गृहस्थी उजाड़ने के लिए घुस गया। पहले टच कर लिए, सब कुछ देख लिए, चीटा कहाँ है, हाँ पहले ही मतलब मेजर करके रखे थे। तो बड़ी इस खेल को कम्प्लीट हो चुका है, मतलब शाम हो चुकी है। इस खेल को काफी देर मैंने देखा और यहाँ पे सारी ऑडियंस है, सारे लोग है और हमारे आदर्श भैया के पिताजी भी है। ये तो दोनों चीज बताओ, उधर से हो रहा था। अंकल जी यहाँ गुड इवनिंग। तो हमारे अंकल जी हमारे साथ हैं और इन्होंने भी खेल में पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने काफी हद तक मतलब 99% तक गेम को क्रैक कर दिया था। तो अभी आदर्श आनंद भैया से मिलते हैं और काफी इंटरेस्टिंग होगा, देखिए पहुंचेंगे। अभी गाइस इंटरव्यू होने वाला है आदर्श आनंद भैया का भी, न्यू सॉन्ग न्यू मूवीज जो भी है सब चीज का होने वाला है। और अभी आप देखिए पीछे आपको दिखाऊंगा सारा इंटरव्यू, बहुत मजा आएगा। अभी हमारे साथ इस फ्रेम में आदर्श आनंद जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मल्टी टैलेंटेड है, अभी एक नया मूवी साइन किए हैं, इसलिए इनसे हम बात करने के लिए आए हुए हैं। बाकी पूरा डिटेल आपसे ही जानना चाहेंगे हम। आप ही बता दीजिए कि क्या अभी चल रहा है। एक मूवी की बात करी थी ऑफ कैमरा आपको, बट मैं दो मूवी की बात कर रहा हूँ आपसे। फीमेल में कोई भी आप फीमेल सॉन्ग आप गाइए और इसके बाद ये मेल, ठीक है, मतलब कंपटीशन टाइप। तो फीमेल में तो अभी देखिए फीमेल जो है ना, फीमेल जो है क्योंकि फीमेल वाला आप मल्टी टैलेंटेड ना, आप कर सकते हैं, इसलिए आपको फीमेल मिला है। फीमेल में तो देखिए ये सिंगिंग करना इम्पॉसिबल है, हम तो रानवे मंडल टाइप गा सकेंगे भाई। वैसा ही चलेगा, वैसा ही चलेगा, ठीक है। आदर दिया कुछ भी गा दीजिए वही चलेगा। तेरी मेरी कहानी। गाते रहिए। तेरी मेरी कहानी। तेरी मेरी क्यों हिला डाला ना, टेढ़ी मेढ़ी हमको याद आ गया वो का पैक। और बहुत जल्द आप लोग शायद हो सकता है कि आप लोग तेलुगु में भी देख लीजिएगा। क्या तेलुगु में देखिए, ये नया 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 एक्सपोज है ये। मतलब पेट में बात नहीं बचा, सिल टीवी पहली बार बताया कि शायद तेलुगु में भी आएंगे, जैसे संचिता बासु आई थी ये भी आएंगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी भी गदर टू आ रही है, आप लोग प्यार दीजिए, आप लोग सिनेमा हॉल आइए, आप लोग सिनेमा हॉल आकर देखिएगा और मैं सकीना को मेरे बेटे को बचाने के लिए फिर पाकिस्तान जाऊंगा। इस बार मैं हैंडपंप नहीं कुछ और उखाड़ कर लाऊंगा। तो बड़ी ऐसा रहा हमारे आदर्श आनंद भैया का इंटरव्यू। और गाइज उनके साथ जो थे हमारे भैया सिंगिंग वाले, उनका आवाज़ इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैं बता नहीं सकता, और कल मैं ज़रूर जाऊंगा उनके पास। तो बड़ी हमारे साथ है आदर्श भैया, अभी आपने इनका देखा फुल इंटरव्यू, कितना ज़्यादा मज़ा आया आदर्श भैया। हाय आयु को हाय। बस मैं ये कहना चाहता हूँ भाई कि आप लोग इसी तरह से प्यार करते रहिए, वह बदलते रहिए। मैं जा रहा हूँ बच्चे लोग के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए, इनको दीपावली के कपड़े देने, क्योंकि ये जो कपड़े मैंने दुर्गा पूजा का मैंने ये लोग पहने थे वो दीपावली की सफाई में गंदा कर दिया, तो नया तो आएगा ना। ये बात शक्ति तो चाहिए। बहुत धन्यवाद है मेरे भाई, लव यू। तो बड़ी अब काफी रात हो चुकी है, अभी भैया जाएंगे दीपावली की शॉपिंग करने, बच्चों के लिए नए नए कपड़े लेंगे। और कीप वॉचिंग, चलते हैं अब घर को, काफी रात भी हो चुकी है, 7 बजने वाले हैं। तो बड़ी अब चलते हैं घर, कीप वॉचिंग, बाय।